प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने 12 नवंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पिछली बार प्रदेश नंबर वन पर था। जिन मामलों का निस्तारण तारीखों में नहीं हो पाता है, उस मामले का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। इसका विशेष रूप से गांव-गांव में प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जनता को समय से न्याय मिले, यह प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसमें पिछली बार कुछ जनपदों की स्थिति ठीक नहीं थी, जिसको सभी अधिकारी गंभीरतापूर्वक लें और इस लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण करें। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर, सीडीओ संजय कुमार मीना, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसलिए आज मुझे ये रखना पड़ा, क्योंकि आज भी शाम को पत्थर नहीं था और इसलिए इसमें रखना पड़ा कुछ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो भी नौकरी रहेगा। तो आज सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कुछ लोक अदालत के बारे में, तो इसके बारे में स्टार्ट फ्रॉम हियर और उसके बाद हम एक करके अंत में निर्णय लेते हैं। सो कौन प्रश्न है? आज के इस बीसी में सचिव महोदय का और अन्य सभी अधिकारियों का स्वागत करता हूँ। हमारा विषय जो है गृह विभाग संबंधित विषय है, वो बहुत संक्षिप्त है। आप सभी लोग अवगत है कि आगामी 12 नवंबर को ये जो चौथी लोक अदालत प्रस्तावित है, और आपको मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो इससे पूर्व के जो भी वर्जन हुए हैं लोक अदालत के, तो उसमें हम पूरे देश के हम नंबर एक कर रहे हैं। तो इस अच्छी उपलब्धि के लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। डीएम है, एसपी है, एसएसपी है और जो प्रोसिक्यूशन और जो हमारे डीपी सी वगैरह है, वो सब लोगों के प्रयास की वजह से ये संभव हो पाया है। सर, हम लोगों ने 22 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें हमारे पास पोटेंशियल हम लोगों ने 22 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें बड़े डिस्ट्रिक्ट 3 है और छोटे डिस्ट्रिक्ट 2 है। बड़े डिस्ट्रिक्ट में वाराणसी है, गौतम बुद्ध नगर है, लखनऊ है, झांसी है। यहाँ पे हम लोगों का जैसे लखनऊ का देखा जाए तो 75,000 का स्कूल आ रहा है, वही गोरखपुर देखा जाए तो 3,90,000 का स्कूल। लखनऊ और 22 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, इटावा, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, बलिया, गोंडा, सुल्तानपुर, हरदोई, कुशीनगर, कौशाम्बी, बागपत, सिकंदराबाद के हिसाब से। इसके अलावा हम लोगों का लघु अपराध के बाद वापस लेने के लिए भी पीछे शासन की तरफ से भी लेटर इशू हुआ है और अलग हाईकोर्ट की तरफ से भी हुआ है। 258 और 321 में जो एप्लीकेशन है, सभी डीएम साहब लोगों से रिक्वेस्ट है कि 321 की पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह के जो 188 वाले वार्ड हैं और जो जिन भी वार्डों के बारे में शासन ने निर्देश जारी किया है करने के लिए, इतना गैप क्या है और आपने अगले जो है जो नेक्स्ट लोक अदालत होती है क्या तैयारी है? सर, विकास विभाग से और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से हमने ये तय कर लिया है कि जितने हमारी सर पेंडेंसी है उसको क्लियर कर ली जाएगी सर समय अंदर। के जितने केसेस पेंडिंग है अगर बुला के संसद में उनको बुला के बात करनी पड़ेगी। बैंक की कमी के कितने केसेस है, चेक बैलेंस पर कितने केसेस है, फिर कितने जो वाटर एक्चुअली बिल के केसेस है, मटेरियल है, अगर ये भी हम सारे कर लेंगे ये तो मुझे से नहीं स्टेटमेंट हो रहे। एक और चीज से ज्यादा करना चाहता हूँ, जब मुझे मुरादाबाद डील का बताइए, मुरादाबाद